मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। दुनिया की आबादी का तकरीबन 2/3 यानी 5 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन की बर वक्त रसाई के लिए इंटरनेट पर चलने वाले सोशल मीडिया को इस वक्त सबसे तेज और मुस्तनिन सोर्स भी समझा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 2 अरब वेबसाइट्स मौजूद हैं जो इंटरनेट सार्फिन को मुतल्लिका मालूमात या तफरीह फराहम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट कैसे काम करता है? ये अरबों इंटरनेट सार्फिन और 2 बिलियन वेबसाइट्स आपस में किस तरह मुंसलिक हैं? इंटरनेट का मालिक कौन है और कौन इस इंटरनेट को कंट्रोल कर सकता है? इस मौजू से मुतल्लिक दीगर दिलचस्प सवालात के जवाबात भी हमारी इस वीडियो का मौजू है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की मौजूदा शक्ल जिससे हम लोग वाकिफ हैं, इसके पीछे लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क कार फरमा है जो मुख्तलिफ लेजर्स की शक्ल में इस इंटरनेट वर्क को जोड़ा हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग हो या सोशल मीडिया का इस्तेमाल, किसी भी मौजू पर मालूमात हासिल करनी हो या ऑनलाइन गेम्स खेलनी हो, इंटरनेट का इस्तेमाल दुनिया के तकरीबन हर शोबे में नजर आता है। इंटरनेट पर कोई भी कंटेंट देखने के लिए एक मखसूस वेबसाइट को विजिट करना होता है जहां पर ये कंटेंट मौजूद होता है। वेबसाइट का नाम कैसे हासिल किया जाता है, कौन हमारी वेबसाइट को रजिस्टर करता है और इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट को कौन कंट्रोल और मैनेज करता है, इन सवालों के जवाबात जानने के लिए इंटरनेट के चंद बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। डेटा सेंटर्स। आपकी स्क्रीन पर चलने वाली इस वीडियो का डेटा गूगल या यूट्यूब के डेटा सेंटर पर महफूज है जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है। इस वीडियो डेटा का अपने सोर्स यानी डेटा सेंटर से एंड यूजर्स यानी मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन तक पहुंचने का तवील सफर नहायत दिलचस्प और नाकाबिले यकीन है। इंटरनेट पर मौजूद कोई भी मवाद जब हम तक पहुंचता है वो मुतल्लिका सेंटर्स के अंदर किसी डेटा स्टोरेज डिवाइस जैसा कि सॉलिड स्टेट डिवाइस SSD में महफूज होता है, बिल्कुल हमारे लैपटॉप की हार्ड डिस्क की तरह। किसी ताकतवर कंप्यूटर जिसे सर्वर कहते हैं, इसकी अंदरूनी मेमोरी के तौर पर काम करती है। सर्वर का काम वीडियो या दीगर महफूज शुदा मवाद को यूजर्स की दरख्वास्त पर उसे फराहम करना है। अब चैलेंज ये है कि डेटा सेंटर में महफूज डेटा को आपके डिवाइस पर कैसे मुंतकिल किया जाए। IP एड्रेस। इंटरनेट के इस प्रोसेस को समझने के लिए यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हर डिवाइस जो इंटरनेट से मुंसलिक है, चाहे वो सर्वर हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन, इंफ्रादी तौर पर नंबरों के एक सीक्वेंस से पहचाना जाता है जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। जिस तरह आपके घर की मुनफरिद शनाख्त आपके घर का एड्रेस होता है और आपको जो भी खत भेजा जाता है वो आपके घर के पते की वजह से आप तक पहुंचता है, बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में एक IP एड्रेस शिपिंग एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसके जरिए तमाम मालूमात अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप को आपका इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर IP एड्रेस असाइन करता है। इस तरह डेटा सेंटर में मौजूद सर्वर का भी एक IP एड्रेस होता है। सर्वर आपका अपना कंप्यूटर और लैपटॉप भी हो सकता है, लेकिन बड़ी वेबसाइट का डेटा महफूज करने के लिए एक अलग और ताकतवर सर्वर दरकार होता है। गूगल या यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स के लिए तो पूरा डेटा सेंटर ही स्टोरेज के लिए वक्फ होता है क्योंकि ये सर्वर वेबसाइट को स्टोर करता है, लिहाजा आप सर्वर का IP एड्रेस जानकर ही किसी वेबसाइट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अब किसी एक शख्स के लिए इतने ज्यादा IP एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इस मसले को हल करने के लिए youtube.com या facebook.com वगैरह जैसे डोमेन नेम डोमेन नेम सिस्टम। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट को हमारे डोमेन नेम के मुताबिक IP एड्रेस कहाँ से मिलते हैं।
इस मकसद के लिए इंटरनेट एक बड़ी फोन बुक का इस्तेमाल करता है जिसे DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। जिस तरह आपका मोबाइल फोन में किसी शख्स के नाम से इसका मोबाइल नंबर महफूज होता है, इसी तरह DNS सर्वर डोमेन नेम से मुतल्लिका IP एड्रेस फराहम करता है। मुख्तसर ये कि आप अपनी वेबसाइट पर डोमेन नेम का नाम दर्ज करते हैं और ब्राउजर मुतल्लिका IP एड्रेस हासिल करने के लिए DNS सर्वर को दरख्वास्त भेजता है। IP एड्रेस हासिल करने के बाद आपका ब्राउजर डेटा हासिल करने की दरख्वास्त मुतल्लिका डेटा सेंटर पर मौजूद सर्वर को भेजता है। एक बार जब सर्वर को किसी मखसूस वेबसाइट तक रसाई की दरख्वास्त मौसूल होने के बाद डेटा का बहाव शुरू हो जाता है, यकीनन आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि ये डोमेन नेम कौन असाइन करता है। एक डोमेन नेम के नाम से पूरी दुनिया में एक ही वेबसाइट होती है, लिहाजा कोई तो होगा जो इसको रजिस्टर और मैनेज करता है। आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट को कौन कंट्रोल या मैनेज करता है? किसी भी वेबसाइट लिंक के दो अहम हिस्से होते हैं, एक डोमेन नेम और एक टॉप लेवल डोमेन। मिसाल के तौर पर www.youtube.com में YouTube डोमेन नेम है और .com टॉप लेवल डोमेन है। जब आप अपनी कोई वेबसाइट तख्लीक करते हैं तो आपको इसका डोमेन नेम रजिस्टर करवाना होता है। इसी तरह वेबसाइट पर मौजूद मवाद को डेटा को महफूज करने के लिए एक वेबसाइट सर्वर का भी दरकार होना जरूरी है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपकी वेबसाइट के डेटा को महफूज करने के लिए अपनी खिदमात पेश करती हैं। इन्हें होस्टिंग वेबसाइट कहा जाता है। IKEN डोमेन नेम की रजिस्ट्रेशन और पूरे डोमेन नेम सिस्टम में DNS के मैनेजमेंट का काम जिस इदारे के जिम्मे है वो ICANNI KEN है। IKEN यानी इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइन नेम और नंबर्स का इंटरनेट की दुनिया में बहुत अहम किरदार है। IKEN ही ये फैसला करता है कि कौन कौन सी टॉप लेवल डोमेन हो सकती हैं। टॉप लेवल डोमेन के लिए बाकायदा बेडिंग होती है जो कंपनीज टॉप लेवल डोमेन्स खरीदती हैं। इन्हें रजिस्ट्रीज कहा जाता है, जैसा कि .com डोमेन वेयरसाइन नामी की मलकियत है। इसके बाद आते हैं रजिस्ट्रार्स, जैसा कि domain.com या godaddy.com। IKEN अपने तस्दीक शुदा डोमेन रजिस्टर के जरिए डोमेन नेम सिस्टम को मैनेज करता है। रजिस्ट्रार खुद किसी टॉप लेवल डोमेन के मालिक तो नहीं होते, लेकिन IKEN की तरफ से इन्हें ये इख्तियार दिया जाता है कि वो अपने आप का मतलूबा डोमेन नेम आपको फरोख्त और रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह IP एड्रेस को मैनेज करने का काम इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी यानी IANA के पास है, जो IKEN का ही एक ज़ीली इदारा है। इंटरनेट को इसी तरह सेंट्रलाइज्ड करना इसके लिए जरूरी है ताकि दुनिया में बैठा कोई शख्स, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, बीजिंग में हो या लाहौर में, इसकी बनाई हुई वेबसाइट दुनिया के तमाम इंटरनेट सार्फिन के दस्तरस्त में हो। और ये इसी सूरत में मुमकिन है जब इन वेबसाइट्स की इंटरनेट पर स्टोरेज और सार्फिन तक डेटा ट्रांसमिशन का निज़ाम पूरी दुनिया में यकसा हो, एक जैसा हो। जाहिर है ऐसा लगता है कि IKEN अपने वसी तर इख्तियारात के साथ इंटरनेट को मुकम्मल कंट्रोल करता है और शायद ये इदारा ही इंटरनेट का मालिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। IKEN एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जरूर है, लेकिन इंटरनेट बजाते खुद एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स का एक मजमुआ है। कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो इंटरनेट को बनाता है, और इस तरह इस नेटवर्क में मौजूद हर कंप्यूटर या सर्वर एक दूसरे से नेट की तरह जुड़ा हुआ है। इस बिना पर ये कहा जाता है कि कोई भी इंटरनेट का मालिक नहीं है और हर कोई इंटरनेट का मालिक है। इंटरनेट कैसे काम करता है? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का एक आसान तरीका सैटेलाइट का इस्तेमाल भी हो सकता है। डेटा सेंटर से एक एंटीना के जरिए सैटेलाइट को एक सिग्नल भेजा जाता है, और फिर सैटेलाइट से एक सिग्नल आपके मोबाइल फोन पर आपके करीब मौजूद दूसरे एंटीना के जरिए पहुंचाता है। सैटेलाइट दुनिया के खते इस्तवा यानी इक्वेटर से तकरीबन 36,000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। लिहाजा डेटा ट्रांसमिशन के कामयाब होने के लिए डेटा को कुल 72,000 किलोमीटर का फासला तय करना होता है। इतनी लंबी मुसाफत सिग्नल वसूल करने में खासी तखीर का बायस बनती है।
जो कि ज्यादातर इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए नाकाबिले कबूल है। मजीद ये कि मौसम की खराबी इस कम्युनिकेशन पर असर अंदाज होती है। इसके अलावा बैंडविड्थ की कमी और दीगर तकनीकी मसाइल भी इस तर्ज की कम्युनिकेशन के राह में रुकावट है, क्योंकि इंटरनेट की कम्युनिकेशन इतने बड़े स्केल पर बजरिया सैटेलाइट इतने मौजूद नहीं। इसलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि प्रैक्टिकली ये सब दरअसल होता कैसे है। ऑप्टिकल फाइबर। इस मकसद के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का एक बहुत वसी निज़ाम मौजूद है, जिसके जरिए डिजिटल डेटा लाइट पल्सिस की सूरत में मुंतकिल किया जाता है। दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर्स का मुकम्मल नेटवर्क 3 मुख्तलिफ लेवल्स में तकसीम किया गया है, जिन्हें टीयर्स कहा जाता है। टीयर 1 पर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए दुनिया के तमाम बड़े आजमों कॉन्टेंट्स को और कंटेनर्स को मिलाया गया है। इस दौरान इन्हें अक्सर दुश्वार गुजार इलाकों जैसे पहाड़ों और समुद्रों के नीचे से भी गुजारना पड़ता है। टेरवन के मशहूर ISPS में AT&T, NTT, वेरिजोन और TATA कम्युनिकेशंस शामिल है। इसके नीचे टायर्स 2 ISPS मुख्तलिफ रियासतों या सूबों और मुल्कों के शहरों को जोड़ने के लिए काम करता है। इसके बाद टीयर 3 ISPs आते हैं, जो कि सिर्फ एक मखसूस इलाके के सार्फीन को आपस में मिलाते हैं, और बैकेंड पर टायर्स 2 और आखिर में टायर 1 नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। यहाँ ये बात जानना भी बहुत अहम है, पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ टीयर 3 नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर्स के बजाय कॉपर के तारों से कायम किया गया है। अगर आप सेलुलर यानी मोबाइल फोन डाटा या किसी भी वायरलेस इंटरनेट डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट तक रसाई हासिल कर रहे हैं, या ऐसे मालूमात में सिग्नल या डाटा को ऑप्टिकल केबल के जरिए पहले मोबाइल टावर को भेजा जाता है और फिर ये डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस की सूरत में टावर से आपके सेलफोन या इंटरनेट डिवाइस तक पहुंचाता है। इसी तरह हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला वायरलेस राउटर भी केबल के जरिए आने वाले सिग्नल को ही आपके मोबाइल फोन्स या लैपटॉप तक वायरलेसली ट्रांसमिट करता है। यूं दुनिया में मौजूद तमाम इंटरनेट सार्फीन ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इस वसी नेटवर्क से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं और इसी नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए डाटा को पैकेट की सूरत में भेजा जाता है और इसके लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। प्रोटोकॉल्स डाटा पैकेट के साथ सोर्स और डिस्टिनेशन के पते को मुंसलिक करने के लिए और इनकी सिक्योरिटी के हवाले से असूल वाजिया करते हैं। इंटरनेट बिलाशोबा इंफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन का एक जदीद जरिया है। आज के इस मालूमाती वीडियो में हमने इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को समझा और ये जाना कि इस वसी नेटवर्क को बनाने और मैनेज करने में कौन कौन से मराहिल शामिल हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।